दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको BLLB फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताएंगे कि आपको BLLB पाँचवें सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और मार्केट से किस सब्जेक्ट की बुक खरीदना है और किस सब्जेक्ट का डायरेक्ट खरीदना है। दोस्तों सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है BLLB फिफ्थ सेमेस्टर में हिंदी लैंग्वेज प्रथम। आपको हिंदी के लिए केवल मार्केट से 20 ही खरीदनी है, आपको बुक नहीं खरीदना है दोस्तों। और पिछले साल के जो पेपर हुए थे आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन पेपर के क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है, आपको हिंदी में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ, यानी कि राजनीति विज्ञान। इसके लिए आपको मार्केट से बुक खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। यह बुक है जो आप देख सकते हो, इस बुक के लेखक है SR Mainani। अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते हो तो 20 खरीद सकते हो। और 2 साल पुराने जो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर क्वेश्चन पेपर है, आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपने उन क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया ना तो आपको किसी भी 20 की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किताब की ज़रूरत पड़ेगी और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ही आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर एग्ज़ाम में उन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछता है जो महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है फैमिली लॉ सेकंड में दोस्तों आपको हिंदू लॉ के बारे में पढ़ना है। हिंदू लॉ के लिए आप बुक भी देख सकते हो, यह बुक है, इसके राइटर है RK अग्रवाल। आप अगर हिंदू लॉ के लिए बुक खरीदना चाहते हो तो RK अग्रवाल की बुक खरीदिए, बहुत ही अच्छे राइटर है। जब मैं LLB कर रहा था तो मैंने भी हिंदू लॉ के लिए RK अग्रवाल की बुक ही खरीदी थी। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट आता है IPC। IPC के लिए दोस्तों आपको डायरेक्ट भी खरीदना पड़ेगा और किताब भी खरीदनी पड़ेगी। आप इस किताब को देख सकते हो, इस किताब के लेखक है प्रोफेसर सूर्य नारायण मिश्र। आप इस बुक को खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। और आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में पिछले 2 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उन प्रश्नों को देखकर ही अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है 5वां, ज्यूरिसप्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र। विधि शास्त्र के लिए आप बुक भी देख सकते हो, डॉक्टर TP त्रिपाठी की यह बुक है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। और आप पिछले 2 साल पुराने क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपने अगर उन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं 2 साल पुराने पेपर से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछता है जो महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए आप उन प्रश्नों को तो बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है 6वां, मीडिया एंड लॉ। इसके लिए अगर आप
कोई बुक खरीदना चाहते हो मार्केट से तो खरीद सकते हो डॉक्टर सुकांत के नंदा जो इस बुक के राइटर है, आप देख सकते हो इस बुक को, यह बुक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, तो आपको पीडीएफ के माध्यम से उस सब्जेक्ट का नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक ही विनती है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।